मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी आज 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। हम आज के इस हसीन मौके पे सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान वादियों को मुबारकबादी पेश कर सकते हैं और पूरे दुनिया में बिलखुसूस हिंदुस्तान में अमन और मोहब्बत कायम रहने की दुआ करते हैं। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तन के गोरे मन के काले से और हिंदुस्तान में अमन और शांति, मोहब्बत, अकीदत, मुअद्दत कायम करने ही के लिए हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया गया। लेकिन अफसोस ये है कि आज कुछ मज़हब के नाम पे, धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे नफ़रत घोली जा रही है, आपस में कशीदगी पैदा किया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान के लोगों को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा मुल्क इसलिए आज़ाद नहीं हुआ है कि हम मज़हब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, काले गोरे के नाम पर नफ़रत पैदा करें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस नीयत के साथ हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मैं हिंदुस्तान के लोगों को यही पैगाम दूंगा कि उस नीयत को बाकी रखा जाए, यानी आपस में मोहब्बत, अकीदत, मुअद्दत, प्रेम कायम रखा जाए। यही हमारे मदरसों से पैगाम दिया जा रहा है। हर साल मनाते हैं। हमारे मदरसे में हर साल यौम आज़ादी हो या यौम जम्हूरिया हो मनाया जाता है। मेरा मदरसा 2005 में कायम हुआ है, तब से बड़े ही धूमधाम के साथ हम अपने मदरसे में यौम आज़ादी और यौम जम्हूरिया त्यौहार की तरह मनाते हैं।